तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं कुछ इस टाइप का हेयर एडिटिंग ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। ये देख सकते हैं हमारा बिफोर वाला फ़ोटो और ये आफ्टर हमारा फ़ोटो कैसा है। तो आप लोग को भी ऐसा एडिटिंग सिखा दूंगा। हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इधर को वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिंपल फ़ोटो। हम सबसे पहले इसे शेयर करेंगे और लेकर जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद हम लाइट पर जाएंगे और हल्का सा एक्सपोजर को इंक्रीज कर लेंगे और कंट्रास्ट को हल्का सा लो रखेंगे और फिर हाईलाइट को भी इतना लो रखेंगे और शैडो को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे और वाइट्स को पूरा लो और ब्लैक्स को आधा तक लो रखेंगे इतना। और फिर हम कलर पर जाएंगे और मिक्स पर जाएंगे। रेड वाले को हल्का सा उसका ह्यू इंक्रीज करेंगे और सैचुरेशन को भी हल्का सा इंक्रीज करेंगे इतना तक, और इसका लुमिनेंस भी इतना बढ़ा लेंगे। और उसके बाद हम ऑरेंज वाले पर जाएंगे, इसका सैचुरेशन कुछ लो रखेंगे इतना और इसका लुमिनेंस पूरा फुल कर लेंगे। और फिर येलो वाले पर जाएंगे, इसका सैचुरेशन पूरा लो रखेंगे और इसका हुई को पूरा हाई रखेंगे और इसका लुमिनेंस भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे। और उसके बाद ग्रीन वाले पर आएंगे, इसका सैचुरेशन पूरा फुल कर देंगे और फिर इन सबको हम लो रखेंगे। इतना हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, और फिर यहाँ से डन कर देंगे। और उसके बाद हम इस इफ़ेक्ट वाले पर जाएंगे और हल्का सा क्लियरिटी को इतना बढ़ा लेंगे और विग्नेट को हल्का सा लो कर लेंगे। बस इतना हो जाने के बाद हम इस फोटो को शेयर करेंगे और लेकर जाएंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद हम एफएक्स पर जाएंगे और अपने शर्ट को कलर करेंगे अपने बैकग्राउंड के कलर में। तो यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन है सबसे लास्ट में, इस कलर वाले पर टच करेंगे और ये कलराइज वाला है इसको टच करेंगे और इरेज वाले पर जाएंगे और यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम रिस्टोर वाले पर जाएंगे और इसका हार्डनेस को कुछ इतना रख लेंगे और अपने शर्ट पे ऐसे ऐसे चला लेंगे। तो चलिए जल्दी से चला लेते हैं। तो इतना हो जाने के बाद हम यहाँ से इसको डन करेंगे और फिर इस पर टच करेंगे और इसका हुई को अपने बैकग्राउंड के कलर में रख लेंगे, कुछ इतना रख लेंगे और इसको यहाँ से डन कर देंगे। बस इतना हो जाने के बाद हम इस फोटो को शेयर करेंगे यहाँ से और लेकर जाएंगे स्केचबुक एप्लीकेशन में। स्केचबुक एप्लीकेशन में आ जाने के बाद हम सबसे पहले इस ब्रश वाले पर टच करेंगे और स्मूथ वाले पर जाएंगे और ये वाला ब्रश लेंगे और इसका सेटिंग आप लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा अगर जो नहीं समझ में आएगा तो। और इसका साइज कुछ अपने हिसाब से रखेंगे, छोटा बड़ा करके इसको स्मूथ करेंगे। तो इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे चलाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। इसको हल्के हल्के हाथों से चलाना है फ्रेंड्स। आप सबसे बड़ा कला यही होता है स्मूथ करना। अगर आप स्मूथ करना सीख जाएंगे तो आप समझ लीजिए आप फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो इसको आराम आराम से स्मूथ कर लीजिएगा। चलिए हम जल्दी से स्मूथ कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा फेस कितने अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें हेयर एडिटिंग करेंगे। तो इस ब्रश वाले पर जाएंगे, लाइब्रेरी पर जाएंगे और ये वाला ब्रश लेंगे और इसका साइज आप लोग देख सकते हैं इतना बढ़ाकर अपने हेयर पे ऐसे ऐसे चला लेंगे। बस इसको हल्के हल्के से स्मूथ कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर से हम हेयर एडिटिंग करेंगे। तो बस इतना हो जाने के बाद हम यहाँ से इस लेयर वाले पर टच करेंगे और यहाँ प्लस वाले पर टच करेंगे, एक डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। फिर इस कलर वाले पर जाएंगे और इसका कलर कुछ ऐसा कर लेंगे, ये वाला कलर ले लेंगे। और फिर हम ब्रश वाले पर जाएंगे और डिज़ाइनर में जाके ये वाला ब्रश लेंगे
और इसका सेटिंग आप लोग देख सकते हैं, इसका साइज को हल्का सा छोटा करके इतना एक पॉइंट पर रखेंगे और अपने हेयर पर हल्के हल्के से ऐसे ऐसे चलाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से इसका हेयर डिजाइनिंग हो रहा है। इसको ऐसे ऐसे चलाएंगे फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लगेगा इसको एडिट करने में। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड्स। चलिए हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इतना हो जाने के बाद हम इस कलर को थोड़ा सा वाइट कर लेंगे और उसके बाद हल्का हल्का सा इसको भी चलाएंगे, वैसे ही सेम कंडीशन वही रहेगा। इतना हो जाने के बाद हम फिर इस कलर वाले पर जाएंगे और इस टाइम हल्का सा ब्लैक कर लेंगे और फिर वैसे ही चला देंगे। बस इतना हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा हेयर कितने अच्छी तरीके से एडिटिंग हुआ है। बस इतना हो जाने के बाद हम इस फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे और लेकर जाएंगे टूलविज एप्लीकेशन में। टूलविज एप्लीकेशन में आ जाने के बाद हम इफेक्ट वाले पर जाएंगे और यहाँ पे सॉफ्ट स्मूथ है उस पर टच करेंगे और ये तीन नंबर वाले ब्रश को लेंगे और अपने हेयर पे यहाँ से क्लीन कर लेंगे और इसको भी ऐसे ऐसे करके चला लेंगे। बस इतना हो जाने के बाद हम इस फोटो को यहाँ से डन कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।